सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है। कुछ बातों को मुस्कुरा कर टाल देना चाहिए, अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। आज का पंचांग 30 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि दोपहर 2:43 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 12:52 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:22 से 10:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 12:52 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मीन राशि 30 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार, इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफी दबाव होगा, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए बहुत ऊंचे मानकों के कारण है। ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें। आप अभी भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और आपका आत्मविश्वास भी दिख रहा है। हर कोई आपके साथ रहना चाहता है। नए कनेक्शन का मजा लें या भविष्य में नेटवर्किंग के अवसर प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदार आपकी सफलता का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। आज के दिन दोस्तों उनके दोस्तों और उनके भी दोस्तों से संबंधित हैं, अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं। आप जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिनकी संगति आपको अच्छी लगती है। पूरी दुनिया को अपने दोस्तों के नजरिए से अनुभव कर सकते हैं। कामयाबी केवल किस्मत वालों को ही नसीब होती है, लेकिन इसे छोटा ना समझें। रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक मेल मिलाप होगा। काफी समय बाद सब मिलने से सभी लोग अपने आप को तनाव मुक्त व आनंदित महसूस करेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकता है जो कि लाभदायक रहेगा। जो निर्णय आपने किया है उसे टिकाए रखने की कोशिश करें। जितना ध्यान देकर आप काम करेंगे उतनी रुचि बढ़ती जाएगी। बच्चों को लेकर चिंता होगी, लेकिन खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। सावधानियां, घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, उनका उचित इलाज व देखभाल करें। इन सभी गतिविधियों में अधिक खर्च करने की वजह से बजट भी बिगड़ सकता है। अपने आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। विवाहित प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। आज आप अपने सभी संबंधों को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से पुराने महत्वहीन रिश्ते को भी आप पीछे छोड़ सकेंगे, जिनका समय के साथ कुछ महत्व नहीं रह गया है। या आप अपने प्रयासों से अपनी मौजूदा रिश्ते को नवीनीकृत करके उसमें प्रेम के ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आप इस समय ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और आप प्रेम से भरे हुए रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएंगे। अच्छा, आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है, जिसे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे। यह आपके वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्व का निर्वहन पूरा ना हो पाए। आपको
बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि आप जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके। बात करते हैं सेहत की। आपके कार्य स्तर पर बढ़ रहे तनाव से आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जैसे माइग्रेन, चिंता, सिर दर्द और हाइपरटेंशन जैसी तकलीफें हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत ध्यान, सांस की एक्सरसाइज और अन्य रिलैक्स करने वाली तकनीकों से करनी चाहिए। खूब सारा पानी पिए और जंक फूड से दूर रहें क्योंकि ये केवल आपके तनाव को बढ़ाएंगे। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।